नमस्कार सतेज सकाल आउ एक सतेज अध्याय को आपन को स्वागत करुछि मु शक्ति मो सहित अच्छा मो सहयोगी कमलाकांत एवं प्रतिदिन भली आज आम आपण दुईटी पर्यायर एक कार्यक्रम आम नहीं प्रथमे आज खबरकगज पृष्ठ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक चर्चा आलोचना समीक्षा आम प्रतिनिधि मानक सहित एवं द्वितीय पर्यायर सतेज सकाल अतिथि सहित चर्चा आलोचना तो प्रथम पर्यायर आज जो खबर गुड़िक विभिन्न खबरकगज पृष्ठा सामना को आज समीक्षा करें आज सब बड़ खबर जदि आम देखा जे जो कथा खबरकगज पृष्ठा आसी प्रधानमंत्री मोदी गत काली जो भाव केदारनाथ पीठ को जाई सेठी आदि शंकराचार्य मूर्ति अनावरण करते सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जे प्रधानमंत्री यही कार्यक्रम सहित सारा देश जोड़ी होता जिते गुड़े धार्मिक क्षेत्र अच्छी जिते गुड़िके जो द्वादश ज्योतिर्लिंग रही चारिधाम रही सी मध्य प्रधानमंत्री यही कार्यक्रम सहित भर्चुआली जोड़ी होते पुरी ठारे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र शिक्षामंत्री चारिधाम अन्यतम रही जो श्रीक्षेत्र धाम बापुरी सेठी रही एवं प्रधानमंत्री जो कथा कही कार्यक्रम अवसर रे जे प्रधानमंत्री कही उत्तराखंड केदारनाथ धाम रे विपर्जय देखी थी एवं आज विकास देखुची से भाई भाव द्वितीय गुरुत्वपूर्ण खबर जो कथा कमलाकांत जे जहाँकि विगत किछि दिन धरी सारा राज्य चर्चा रही आसी ममिता हत्या घटना को लेकिन पुलिस तदंत से खबर मध्य आज खबरकगज पृष्ठ रही कि खबरकगज गुड़िक गुरुत्वर सहित नहीं से नहीं खबर प्रकाश कर तबे देखिबा जदि ए खबर राज्यव्यापी आंदोलन तो चली दिल्ली पर्यंत भी कथा गला तबे जदि देखिबा आज दुईटी खबर कागज जहाँ प्रकाश कर गोल गोल बुलुची पुलिस एवं खसीबार बाट खोला रही केस रिकॉर्ड को लेकिन सामना को आसला जबत तालिका जो थे पोड़ा प्लास्टिक और मेटाल ना 164 बयान रेकर्ड करनी पुलिस गोटे पर गोटे खुलासा होसबार बाट किभली पुलिस करुच्ची जाणी तदंत विलंब होता ये अभियोग विरोधी करुले साधारण जनता करुले आउ धीरे धीरे से बोध हुए स्पष्ट होबे तरुण पाख जी बलांगीर प्रतिनिधि आम सहित तरुण साहु रही तरुण तो आम बारंबार एने खबर तो देखाऊे आ खबर कागज पृष्ठ आज जहाँ बाहर धीरे धीरे जहाँ गुमर फिटबार लगी जाणीशु विलंब करा घंट घोड़ाईप चेष्टा कराला आ जदि देखा जहाँ केस रिकॉर्ड कथा सामना को आसूरी जबत तालिका जो रही पुणी थे संदेह बढ़ुच्छे निहापति भाव में देखु कमलाकांत ममिता मेहर हत्या घटना को लेकिन पुलिस प्रथम ही बिवाद जो दायित्व तांकर जो तदंत उपर साधारण लोके प्रश्न उठाते जितेबाला अभियुक्त गोविंद साहू को धरी और सीन रिक्रिएसन कर ठीक से ही समय जो ड्राइवर रही जेसीबी ड्राइवर किसी दोष ना बोली खोद उत्तरांचल डीआईजी दीपक कुमार प्रकाश करुले छाड़ी किंतु परवर्त समय जेसीबी गाड़ी को जबत करा गोटे पर गोटे जिते अभियुक्त गोविंद साहू को रिमांड अणाला पांच दिन पर्यंत रिमांड रहा किंतु पचरा उचरा किभली भाव में करागला कि पचरा उचरा पर पुलिस हाथ में सेमती ठोस प्रमाण ना जहाँ कोर्टे देख पार तो एबे पुलिस माने अभियुक्त ठारु सहायत विभिन्न सामग्री बा विभिन्न साक्ष्य ग्रहण करुची प्रमाण तथ्य खोजुची जहाँ बयान आसुला जे सांबादिक सम्मेलन में मोबाइल को लेकिन कही मोबाइल पोड़ा जाइए किंतु जितेबाला तालिका बाहर करा से तार चिन्ह बन नहीं निहाती भाव में संदेह सृष्टि होती पुणि थे निहाती भाव में पूर्वर परिवार लोके बारंबार कहते हैं मोबाइल लैपटॉप एवं पेन ड्राइव ये तीन टा जिनस परिवार लोके उल्लेख करते जहाँ को ममिता मेहर हत्या घटना को उन्मोचन हम पर्दा हटो जे किए कहीं क्यों परिस्थिति रे केते जन ममिता मेहर को हत्या करिवार सहयोग करते अभियुक्त गोविंद साहू को ये पूरा तथ्य एवं जो जौन कालंकारी कथा आसूसी से कथा गुमर खोलियों कहुला किंतु पुलिस जितेबाला अभियुक्त गोविंद साहू को धरला सीन रिक्रिएसन कला पेन ड्राइव कथा अभियुक्त ठारो पुलिस हासिल करना तदंत प्रक्रिया तो निहाती भाव में जो पेन ड्राइव कथा कहुच्छे पोड़ा मोबाइल कथा उत्तरांचल डीआईजी किसी कांश में मोबाइल पड़ी बोली कही थे किंतु ताहा वर्तमान सीजर लिस्ट ना तो पुलिस तदंत को नहीं साधारण लोके प्रश्न उठाइबा आरंभ कले जितेबाला घटनास्थल स्पॉट रु पोड़ा मोबाइल जबत हो कि अंश बाहर कि सीजर लिस्ट करागला ना
आउ जत जो ड्राइवर रही है राधे चंडीर ड्राइवर रही है तार स्त्री जो मोबाइल क्यारि ब्याग आनी सीजर लिस्ट रखा जाए ना से ड्रेस तीन हल ड्रेस और जोता था चार्जर था गोटे मोबाइल थी कहुच्छे ताकु मध्ये बाद दिया जाए सीजर लिस्ट तो निहाती भाव में जो जो तथ्य को लेकिन पुलिस सीज करगुड़ाकू आहरी अनेक तथ्य अच्छी जहाँ पुलिस लुचाई जहाँ तदंत बाटबणा हेबा सहायक हे किंतु जो मूल प्रसंग रही पेन ड्राइव कथा कहतु मोबाइल कथा कहतु पोड़ा मोबाइल कथा कहतु पुलिस तो ताकु सीज करी तदंतपी लैब को पठाइवा कथा किंतु जो जिनस लैब को पठाई से कि ठोस प्रमाण मिलना आरंभ ही पुलिस भूमिका बदय रही आसी ममिता मेहर हत्या घटन तो ये जो सीजर लिस्ट पुणी थे धरा पकई पुलिस किभली भाव में ये घटनार तदंत न्याय नुहे घटना को चापीपाई अधिक उद्यम करुच्छे ना कि ममिता मेहर हत्या अभियुक्त को किभली भाव में दंड दब ना परिवार को न्याय देव ता बदल ये घटनार षड्यंत्र को चापीपाई अधिक उद्यम करुवा ए सीजर लिस्ट प्रमाण कर बहुत बहुत धन्यवाद तरुण तरुण साहब आम प्रतिनिधि बलांगीर अधिक सूचना दौले परवर्ती खबर जहाँकि खबरकगज पृष्ठार स्थान पाई अति गंभीर संवाद ए खबर को आनी जोटा कि अति गंभीर कहुपर वर्तमान परिस्थिति रे दीपावली पालन उपरे बाण फुटा उपरे कटकणा जारी करा सरकार पक्ष कथा कहुला दीदी जो भाई भाव में कोरोना संक्रमण वर्तमान भी रही बाण जदि फुटा जीव कटकणा रही केवल सबुज बाण फुटे पारे आठटा रु दसटा पर्यंत पुणी फुटे पारे एवं किंतु राजधानीवासी सबु नियम को फू कर बेफिकर होती किभली भाव में कारण राजधानी रे प्रदूषण अत्यधिक बढ़ी जाए AQI जो रही प्रदूषण मान जो वायुमंडल मान को जो मापापी ता 2019 जो समय दीपावली रे कौनसी कटकणा नथिला ताठारु भी आहुरी खराब स्थिति को चली आसी 2020 तो दीपावली संपूर्ण रूपे बारण करा जाइथिला किंतु ए वर्ष मध्य कटकणा भितर केवल सबुज बाण एवं आठटा रु दसटा दुई घंटापी अनुमति दि जाइला किंतु ता सत्वे राजधानीवासी केते बेफिकर संक्रमण को लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी चेतला जदि बाणर जो विषाक्त धूआ जदि वायुमंडल व्यापुची ता फुसफुस को अधिक संक्रमित कर किंतु राजधानीवासी मानिले ना स्वप्नांजलि महांती प्रतिनिधि संपर्क में अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती स्वप्नांजलि राजधानी भुवनेश्वरवासी बेफिकर कोरोना को लेकिन सेमान भितर आदम सचेतनता ना यह प्रमाणित करुच्ची जो भाई भाव में AQI खराब जो तार सूचकांक जो भाव में 2019 परिमाण ठार आहुरी खराब स्थिति को चली जाए 2021 जोटा खबर आसी एटा ही प्रमाण करुच्ची जे आमे कोरोना को नहीं सतर्क ना जिते सचेतनता परे आमे नियम को मानुना राजधानी भुवनेश्वर ये हूँ स्थिति देखु शक्ति साई पूर्वर जो भाई भाव में कहुला जे दीपावली जेहेतु आसी तेणु कोरोना कटकणा भितर समस्ते केवल राजधानीवासी नुहत समस्त ओडिशार लोक मैंने कटकणा भितर समस्ते दीपावली पाले और जो बाण फुटाइबा और प्रदूषण मुक्त करने राजधानी में जो चिंता करना कौटी ए रिपोर्ट ही फेल प्रदर्शन कर दीपावली जो कटकणा कौन रत मात्र बाण फुटि पार और कौ बाण रोक लग जा कौ बाण साधारण लोक फुटे पारे ना केवल दीप जाली दीपावली पालन करेंगे ये जो द्वंद्व थिला ये बोध हुए बेसी विलंब हो गला कहीं दीपावली थिला 4 तारीख दिन एवं 2 तारीख दिन नियम है जे 2 तारीख दिन ये ग्रीन सिग्नल आसला जे समस्ते सबुज बाण फुटाई पारे और घरे रही समस्ते दीपावली पालन करेंगे कितु बड़ प्रश्न उठिला जे ओडिशा रे कोठि भी सबुज बाण कारखाना ना तेणु जो मैंने व्यवसायी रे से कौट सबुज बाण आणवे और कमी लोक मान से बाण देवे लोक मैंने से बाण फुटाइबे ये बड़ प्रश्न रहा तेरे पर दिन अर्थात 3 तारीख दिन जो रिलीफ स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर बैठक बसला और से जो कमिटर मेम्बर मैंने से निष्पत्ति निगला जेहेतु लोक मानकर ये हूँ पर्वपर्वाणी कथा तेणु वायु प्रदूषण केमती कम हे और वायु केमती प्रदूषित न हो शब्द प्रदूषण राजधानी जहाँ धीरे धीरे बढ़ी चलती ताको केमती कम करपत्ति निगला और 3 तारीख दिन घोषणा है 8 टू संध्या 8 टू राति क्षमा करेंगे राति 8 टू राति 10
ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ, ତା ବି ସବୁଜ ବାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ଦିନ ଏ ଘୋଷଣା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ କେମିତି ବାଣ ଆସିବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ। ତାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଏ ନିୟମ କଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାହା ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକୁଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ତିନି ତାରିଖ ଦିନରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯେଉଁ 2019 ଏବଂ 20 ମସିହାର ବାଣ ଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ କାହା ପାଖରେ ଅଛି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତଦାରଖ କରିନଥିଲା ବା ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ 8ଟାରୁ 10ଟା ପରେ ସେମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା। ଯଦି ସବୁଠୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରସୁଲଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶହୀଦନଗର କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତେ ପାଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବାଣର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ ବା ଯେଉଁ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଇଏ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାହିଁକିନା କରୋନା ଯେହେତୁ ଏବେ ବି କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଶିଶୁମାନେ ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ଲହର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କରୋନା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ସତର୍କତାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି। 2019 ଯେଉଁ ସମୟରେ କରୋନା ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେତିକି ଯାହା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଦୀପାବଳି ସମୟରେ, 2021 ଦୀପାବଳି ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ସରକାର କେବଳ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନିୟମର ବାସ୍ତବତା ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ରହିଲେ ନାହିଁ। ବାଣ ଯଦି ଫୁଟିଲା, ବାଣ ବିକ୍ରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହୋଇଥିବ, ତ ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଲା ଏକଥା କେମିତି ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି, ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଣ ବିକ୍ରି କରାଗଲା, ତ ଇଏ ହିଁ ନିଜେ ସରକାରଙ୍କର ଢିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ କଟକଣା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଯାହାକି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିବନି, ତ କରୋନାକୁ ନେଇକି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବନି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ନିହାତି। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ପୁରା ଦେଶର ନଜର କାଲି କେଦାରନାଥ ଉପରେ ରହିଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଆଦିଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଆଦିଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାହା ନିହାତି ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ବା ଅନାବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଜେପିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୀ ଧାମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କମାଲ, କେଦାରନାଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନାବରଣ କଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଧାମ ସହିତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ସବୁଠୁ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ପୁରୀରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏଠି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ରହିଛି, ଚାରିଧାମ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଏଠି ରହିଛି, ଏଥିମଧ୍ୟ ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିଥିଲି ବିକାଶ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି, କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କେଦାରନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ବଡ଼ ଧାମ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ତ ସେଠାକାର ଉନ୍ନତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, ଆଉ ଗତକାଲି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଛି।
देखो निश्चित भाव कमलाकांत सारा विश्व देखी उत्तराखंड कि विभीषिका होता 2013 मसीह जहां 8 वर्ष बीती तो निश्चित भाव से विभीषिका को बन पकड़े प्रधानमंत्री और भाव विहल लोक मानक संबोधित करते दिन किभला शंकराचार्य मूर्ति ध्वंस होता बाबा केदारनाथ जो शक्तिपीठ रही जोटा की गंगा भितर जो प्रतिमूर्ति रही शिवंकर अफेक्टेड होता केवल ता नुह अनेक धन जीवन नष्ट होता जो लोक मैंने अनेक प्राण हानि तेणु अनेक कथा को दृष्टि रखी से डेवलपमेंट कार्य हाथ को नहीं जगह टनेल तैयारी जोटी पहाड़ अति टर्निंग पोजिशन थी 60 डिग्री 45 डिग्री एंगल दी तेणु अनेक सुरक्षा व्यवस्था को जांच करके बर्तमान डेवलपमेंट काम आहरी जारी रही आगक आहरी त्वरावित से पाखापाखि 250 कोटी टकर प्रकल्प को प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करिसथि अनेक गुडिये प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन कराई आगामी दिन देखिए जो कथा शक्ति कहते जो आम 12 ज्योतिर्लिंग रही चारि धाम रही फोकस रखिकी ही कार्य आगक नहीं देखिए पूरी नवकल समय कि फंड आलोकेट कराई पुरी को एवं विभिन्न समय विभिन्न स्कीम रे पुरी को प्राधान्य दी जाऊँगी जो कथा केन्द्र शिक्षा मंत्री गत काली कहिले निज अभिभाषण रे जे मठर उन्नतीकरण और शंकराचार्य पीठ को गुरुत्व देउछन्ति प्रधानमंत्री फोकस रही आगामी दिन में ये कार्य को आहुरी त्वरान्वित आम देखी रामेश्वरम कथा कहतु बा प्रधानमंत्री निज निर्वाचन मंडली काशी विश्वनाथ कथा कहतु बनारस आई पॉइंट है लोक मानकर पूर्वर थिला कि आहुरी विकास कार्य को त्वरान्वित काशी विश्वनाथ देखिए जो ढंग से एनक्रोचमेंट थिला वर्तमान से बिल्डिंग गुड़ी भंगा जाउछी से पुनर्विकास करा जाउछी कथा जदि पुरी कथा देखिबा केन्द्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जहाँ कहते पुरी धाम एवं मठ संस्कृति विकास करपर सनातन धर्मी प्रधानमंत्री को जो प्रतिमूर्ति उन्मोचन ताको चिरस्मरणीय बोली धर्मेंद्र प्रधान तो आशा करिबा जे पुरी धाम को लेकिन केन्द्रमंत्री जहाँ कहते ओडिशावासी आउ एक खुशी खबर को खूब शीघ्र आस देखो निश्चित भाव आसो कमलाकांत आप निकट में देखिए अनेक स्कीम पैसा जाऊँच कि खर्च हो पानी जो कथा काली असंतोष व्यक्त करते शंकराचार्य निज प्रतिक्रिय कहले अनेक गुड़िया योजना कराऊँगी मंदिर कार्य को त्वरान्वित सुप्रीम कोर्ट कहले राज्य सरकार सबू कार्य शंकराचार्य परामर्श ने कौना कौटी शंकराचार्य या असंतोष व्यक्त करते गुरुत्व दि जाऊनि हे तो से भाई जहाँफल गणमाध्यम प्रतिक्रिया देवाई से पचारे ना तो निश्चित भाव सनातन धर्म मूल पिंड कहले शंकराचार्य को बुझाए सी होती जीवंत प्रतिमा जो कथा प्रधानमंत्री गत काल निज उद्बोधन में कहले सी हूँ शंकर प्रतिमूर्ति शिव कहले ही बुझाए सी हूँ जीवंत ठाकुर जहाँ को आम पूजा करवा उचित केदारनाथ शंकराचार्य प्रतिमूर्ति अनावरण करपटे पुरी में शंकराचार्य राज्य सरकार को विरुद्ध में संगीन अभियोग आश्चित भाव में तो आम आशा करवा गंभीरतार सहित ए घटना को राज्य सरकार ने पुरी ना केवल ओडिशार ना केवल भारतर विश्वर जो भाई भाव पुरीर प्रतिष्ठा रही लगातार तापरे तार विकास एवं सेठी मठ मंदिर संस्कृति किभली भाव में तार प्रचार प्रसार हो पार केन्द्र सरकार सब प्राथमिकता दे आ गत काली केदारनाथ थी आदि शंकर प्रतिमूर्ति अनावरण समय प्रधानमंत्री से कथा को दोहराई मोदी सरकार प्राथमिकता रही आम मठ मंदिर संस्कृति जो भारत वर्षर ता कि भाव में सारा विश्व तार प्रचार प्रसार लाभ करूँ परवर्त खबर को जी कमलाकांत आउ एक ओडिशावासी चिंतार खबर जे पुणी एक लघुचाप 9 तारिख में सृष्टि लघुचाप क्षेत्र बंगोपसगर और जार प्रभाव में 11 और 12 तारिख में प्रबल वर्षा हे ओडिशा रे खासकर उपकूल अंचल रे एक कथा सूचना आसुची खबर कागज गुड़ी को गुरुत्वर सहित नहीं पीतांबर नाहकाम प्रतिनिधि ब्रह्मपुर संपर्क में अधिक अपडेट सहित जोड़ी होती पीतांबर जो भाव में खबर आसुची जे प्रबल वर्षा हम उपकूलवर्ती जिला गुड़िकर खासक यार अधिक प्रभाव देखा मिल 12, 11 और 12 ए दुई दिन धरिकी शक्ति साई निश्चित भाव आप जानते विगत दिन विगत दुई दिन पूर्व गोटे राति जमीक दक्षिण ओडिशा रे वर्षा होता विशेष भाव गंजाम एवं कंधमाल गजपति तीन जिले में वर्षा होता है तार परवर्ती सका पूरा सहर तलिया अंचल संपूर्ण भाव जलमग्न हो जाता
तो जदि आहुरी दुई दिन अर्थात 11-12 तारीख रे जदि प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हुए तेबे सहर स्थिति जेतिक सांघातिक हब सेतिक सांघातिक चाषी मानक उपरे पड़िबो काहेकि ना आपण जानती जे जेतबेले वर्तमान समय रे धान पुडा बांधिकि जेबुली भाबरे जमीन रे रहिछि तो से भीतर को जदि बढ़ी पानी आसे बा से जदि अधिक समय वर्षा हुए तेबे चाषी माने विशेष भाबे क्षतिग्रस्त हेबे এবং যেভাবে ভাবে বর্তমান সময়ের যদিও চাষী কু কিছু সচেতন করা যায় না পানিপাগ বিভাগের যে পূর্বানুমান রয়েছে 9 তারিখের যেহেতু জনা পড়ব কেতে আশঙ্কা করা যাচ্ছে কেতে তারতম্যে বর্ষা হব কিন্তু বর্তমান সময়ের মধ্যে যেমতি কি আজি কন্ধমাল শীত অতিকে বড়িছে এমতি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যেভাবে ভাবে রেকর্ড করা যাচ্ছে তো আশঙ্কা করা যাচ্ছে দক্ষিণ ওড়িশাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত হব কাহিকি না মু বড় সকাল খবর কাগজ পড়ছিলি যে যেভাবে ভাবে তামিলনাড়ু কথা কইবা আন্ধ্রপ্রদেশ কথা কইবা দক্ষিণ ওড়িশা কথা কইবা এ সব অঞ্চলে বিশেষভাবে এই লঘুচাপ প্রভাব পকাই পারে আর বিশেষভাবে যে নেতি পীতাম্বর যেমনি ওড়িশার পিছা লঘুচাপ ছাড়ুনি পুড়ি থেকে আউ গোটে লঘুচাপর আশঙ্কা করা যাচ্ছে তে বহুত বহুত ধন্যবাদ পীতাম্বর নাগ অধিক অপডেট দৌলে কিভাবে ভাবে পুঁথ আউ গোটে লঘুচাপ আসবার সম্ভাবনা রয়েছে তবে সবুঠু বেশি চিন্তা একু চাষী মানক উপরে কারণ অমল সময় যদি বর্ষা হব সে অমল নষ্ট হবার ধান নষ্ট হবার বহুত আশঙ্কা রয়েছে তবে পরবর্তী খবর রয়েছে করোনা সম্পর্কিত 7 মাস পরে 170 কু খসিছি দৈনিক সংক্রমণ যাকি গোটে পটে খুশির কথা সেপটে স্কুল খোলিছি তেণু চিন্তা বড়িবা সহিত আউটিক অধিক সতর্ক রহবার মধ্যে আবশ্যকতা রয়েছে সেইপা স্কুল খোলিবা পরে 40 দিনিয়া সচেতনতা কার্যক্রম হব রাজ্য সারা বুলিব সচেতনতা রথ এবং শিশু বিধানসভা মধ্যে বসিব এভাবে খবরক অনেক প্রমুখতার সহ নিয়েছেন সেইপরি তৃতীয় লহর আশঙ্কা বর্তমান পর্যন্ত বি টলি নথিবা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মানে সতর্ক করাইছেন অধিক অপডেট পাই কটকর ইমরান খান জড়াইছেন ইমরান গোটে পটে সংখ্যা কমিছি আর গোটে পটে বিশেষজ্ঞ মানে সতর্ক বি করাইছেন তৃতীয় লহর বিপদ বর্তমান পর্যন্ত টলিনি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে স্কুল খোলিবা পরে 40 দিনিয়া সচেতনতা কার্যক্রম কারণ স্কুল উপরে সমস্ত নজর লা কেমতি খোলিব আউ এবে যেতবে স্কুল খোলুছি সেতবে পিলাঙ্ক দায়িত্ব মধ্য কিভাবে রাজ্য সরকার নেছেন অভিভাবক এবং শিক্ষক মানে নেবে সেথিপাই এসব কার্যক্রম দেখুন কমলাকান্ত আপনি জানিথে যেহেতু পাখাপাখি দীর্ঘ 7 মাস পরে রাজ্যের সংক্রমণ হার রয়েছে তা 200 তলক রয়েছে এবং গতকাল আপনি জানিথে 170 জন আক্রান্ত চিহ্নট হয়েছিল তাঁর ভিতর 3 জনের মৃত্যু হয়েছিল যেহেতু 55,000 ঊর্ধ্ব নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল তা ভিতর 170 জন চিহ্নট হয়েছে অর্থাৎ যে 7 মাস পূর্ব যা স্থিতি লা রাজ্যের করোনার যা গতকাল মধ্যে হয়েছে কিন্তু আউ গোটে কথা জানিথে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যা কি গতকাল স্বাস্থ্য নির্দেশক যা কি গতকাল সূচনা দিয়েছিল যে যেহেতু ইউরোপীয় দেশ মানকরে বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট যে রয়েছিল ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টর যেহেতু বর্তমান দ্রুত গতির সেটি সংক্রমণ বড়ুছে কিন্তু ভারতের মধ্যে তাহা দেখিবাকে বর্তমান সুদ্ধা মিলি পারে কাহিঁকি না আমি মানে সমস্ত দ্বিতীয় লহর সময়ের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টর আমি সামনা করছু এবং ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট যোগু আমাদের অধিক লোক মধ্যে আক্রান্ত হয়েছিল তেণু করে বর্তমান ভারতবাসীকে বা ওড়িশাবাসীকে ভয়ভীত অবস্থা আবশ্যকতা নাই কিন্তু সমস্ত সতর্ক মতো হয়ে রহবাকে পড়বে কাহিঁকি না তৃতীয় লহর যে বিপদ রয়েছে তাহা মধ্যে এপর্যন্ত টড়ি নাই সেইপা সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন বর্তমান করা পড়ব অন্যপটে আপনি জানিথে আমার দেহরে বা অনেক আম দেশের সমস্ত দেহরে বর্তমানে অ্যান্টিবডি মধ্যে তৈরি হয়ে যাইছে এবং যেহেতু সমস্তে অধিকাংশ লোক বর্তমান টিকাকরণ হয়ে সারিছেন সমস্তে কোভিড টিকা নিয়েছেন কিন্তু আহরি লোকমানকু টিকাকরণ করিবার বর্তমান আবশ্যকতা রয়েছে সেইপাই বর্তমান পুরাপুরি ভাবে দ্রুত গতিরে টিকাকরণ বর্তমান চলছে কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা মধ্যে করছেন রাজ্য সরকার তাকে সহযোগ করে কি মধ্যে টিকাকরণকু আগকু মধ্যে নেছেন এবং সেইপাই যদি আশ্বস্তি কিন্তু তা ভিতরে বি ভয় রয়েছে তৃতীয় লহরকু নাইকি সংক্রমণ যদিও তলকু খসুছি কিন্তু এবে বি আমাকু সতর্ক রহিবাকু পড়িব যোগ্যতা সূচনা দৌথিলা প্রতিনিধি ইমরান খান বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমরান সূচনা দৌথিলে করোনা সংক্রমণ সম্পর্কের এ খবর যাকি বিভিন্ন গণমাধ্যম বিভিন্ন খবর কাগজ তাকু নেইছন্তি ভিন্ন ভিন্ন ঢঙ্গরে তাকু উপস্থাপন করিছন্তি পরবর্তী খবর শেষ খবর যা খবর কাগজ পৃষ্ঠারু ইয়ে পছ পৃষ্ঠার খবর কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট প্রেমীঙ্ক পাই এ খবরকু সবু সংবাদপত্র স্থান দিয়েছেন যেভাবে ভাবে স্কটল্যান্ডকু ভারত পরাস্ত কলা এবং আশা উজ্জীবিত রাখিলা কিন্তু বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে আজির ম্যাচ যেটা কি যদি আফগানিস্তান নিউজিল্যান্ডকু পরাস্ত করছি তাহলে ভারত পাই সুযোগ সৃষ্টি হব সুশান্ত সাহু আমার প্রতিনিধি যোড়ি হয়েছেন আমার সহ এই সম্পর্কের অধিক আলোচনা পাই সুশান্ত ইয়ে কেতে সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড যেভাবে ভাবে দমদার প্রদর্শন করে আসিছি আফগানিস্তান তাকে হরাইব এবং ভারত পাই সম্ভাবনা সৃষ্টি হব
निश्चित भाव शक्ति साहि देखु आप जो कथा कहले प्रथम देखु जो इंडिया प्रथम मैच जदि देखिए प्रथम दुईटा मैच जो भाव पराजय बरण करें के आशा करूँ एभली भाव भारत बैक कर जोबले टूर्नामेंट आरंभ होता आरंभ पूर्व अनेक क्रीड़ा विशेषज्ञ मैंने भारत यो टूर्नामेंट जितो बोली फेवरेट से आप देखु दुईटा जो अभ्यास मैच भारत जो भाव खेली और जो दुईट मैच पराजय बरण कला सेतक प्रश्नवाची उठी विशेषकर टीम इंडिया अधिनायकों उपरे कोच को उपरे ता सहित टीम इंडिया खेलाड़ी उपरे किंतु दुईटी मैच पर अफगानिस्तान विपक्ष मैच देखंतु एवं स्कॉटलैंड विपक्ष मैच देखंतु जो भली भाव दमदार प्रदर्शन करिछि टीम इंडिया नियत भाव आम आशा करवा भारत सेमिफाइनल पहुंचब आ सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण हूँ न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान मैच जोटा कि आसंता काली सारजा स्टेडियम खेल यही मैच टी भारतीयों सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण जेहेतु सारजा स्पिनिंग ट्रैक जदि देखा अफगानिस्तान टीम पाखे वर्ल्ड क्लास स्पिनर रही तेणु आम आशा करवा जेहेतु मुजिबुर रहमान जे कि कहवाक गले जो आरंभ होता है पावर प्ले ओवर में बहुत भल बोलिंग करेंगे रशीद खान सी मिडिल ओवर में भल बोलिंग करते स्लग ओवर में स्पिन जाल में अनेक बैट्समैन को छंदी था तेज कह जो भारत विपक्ष मैच में मुजिबुर रहमान आहत हो खेली पारि ना कि जहाँ पाखे सूचना मिलूँ न्यूजीलैंड विपक्ष मैच जोटा कि आसंता काली खेल जदि से संपूर्ण भाव फिट हूँ तेज प्लेइंग इलेवेन देखा मिले निहत भाव कह गए गोटे प्रकार स्पिन जाल बुणवार अफगानिस्तान स्पिनर मैंने माहिर और कहवाक गले जो भाव साराजार बर्तमान पिच रही जेहेतु बर्तमान से स्पिनर मानक सुहाँ निहत भाव कह गए न्यूजीलैंड गोटे प्रकार काठिकर पाठ हो जदि भी टॉस जीतुची टॉसटा हूँ सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कहीं जो भी सेकेंड टाइम अर्थात जोटा कि इवनिंग रे मैच हो भारत परिस्थिति एभली आग को जवाकूल अफगानिस्तान विजय उपर निर्भर करने को पड़ू दुई दुईटी बड़ मैच हाथ छड़ा कला एवं अफगानिस्तान आउ स्कॉटलैंड को हर आम जब खुशी मनाइबा एवं अफगानिस्तान विजय उपर आमर आग को जीवार रास्ता जदि खोला रहा निश्चित रूपे भारतीय क्रिकेट को आउ थे समीक्षा करने को पड़ो जो आम कौ स्थित अच्छे आमर आज स्थित कौन तथापि आशा क्रिकेट रे किसी भी संभव तेणु अफगानिस्तान भल प्रदर्शन करिबा एवं भारतीय दल आग को जीवा ए टूर्नामेंट तार खेल जारी रखिबार आशा उज्जीवित रहा यह आशा रखा धन्यवाद सुशांत तो ये थिला खबर कागज पृष्ठार जो प्रमुख खबर जहाँ कि आम विस्तृत भाव आलोचना कले आम प्रतिनिधि मैंने से संपर्क में अधिक सूचना देने आगक रही द्वितीय पर्याय अतिथि आम सहित जोड़ी हे जड़े कंठशिल्पी संबलपुर आम सहित जोड़ी हे कंठरू आम दमदार संबलपुरी भजन आधुनिक गीत शुणवा एवं द्वितीय पर्याय को मजादार करवा किंतु समय है गोटे छोट विरतिर खूब शीघ्र फेर दरकार थिला बड़ा विजय आउ करी देखाइले विराट वाहिनी स्कॉटलैंड को 8 विकेट हराई द्वितीय विजय हासिल कला टीम इंडिया 86 रन टारगेट को मात्र 6.3 ओवर रे हासिल करछि भारत न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मैच उपरे बे समस्त नजर ममिता को न्याय सह गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दाबी राज्यव्यापी तेजुची आंदोलन आज बीजेपी 12 घंटिया गजपति बंद डाकरा झारसुगुड़ा 8 घंटिया बंद पालन सकाळ 6 संध्या 6 जाए बंद डाकरा मो पुलिस एवं राज्यर आईन व्यवस्था उपरे पुणी छिड़ा हला बड़ प्रश्न अट्रीर मृत झील को न्याय देवाई लड़े करुवा बापा आणिले संगीन अभियोग अर्गासर प्रश्न काल भाग नहीं कहले गरीब लोकों पर राज्य न्याय नहीं पुलिस उपरे भरोसा नहीं न्यायिक व्यवस्था उपरे रही भरोसा देशर खाउटिंग को पाई केंद्र सरकार को पुणी एक बड़ पदक्षेप पेट्रोल डीजेल पर एवं ह्रास पाइब खाइबा तेलर दर अशोधित तेल उपर ह्रास पाइला आमदनी और अतिरिक्त शुल्क खाइबा तेल महजूद रखार सीमा उपरे रहिबो नजर माओपरेसन जवान को सफलता मलकानगि सीमांत छत्तीसगढ़ सुकुमार धरा पड़े 8 माओवादी जंगल भितर लुचि बसी बेले होता कमिंग अपरेसन फुल
କିମ୍ବା ଭୀମସାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ନାହିଁ ବେଡ୍ ଚଟାଣରେ ଶୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଦୀର୍ଘଦିନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ବି ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଦୀପାବଳିକୁ ବ୍ରିଟେନର ନିଆରା ସମାନ ଜାରି କଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଛବି ଥିବା ଗୋଲ୍ଡ ବାର୍ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚେତନାମୟୀ ବେହେରା ଯିଏକି ମଞ୍ଚରେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୀତ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ଭଜନ ତ ଗାଆନ୍ତି ସହିତ ଆଧୁନିକ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହିର ତ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଚେତନାମୟୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ସତେଜ ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ ସତେଜ ସକାଳର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତ କରିବା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠରୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଯଦି ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସତେଜ ସକାଳ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଚେତନାମୟୀ ବେହେରା ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଇ ମାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ପହିଲା ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଗୁରୁଶ୍ରୀ ରତନ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଲେଖା ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି ତୋର ମନ୍ଦିରେ ମା ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି ତୋର ମନ୍ଦିରେ ମା ତୋର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି ତୋର କରୁଣା ବୋଲେ ମା ମା ସମଲେ ରଖି ଥାକୋଲେ ଦୁଲେ ମା ସମଲେ ରଖି ଥାକୋଲେ ଦୁଲେ ତୁଇ ମହାଦେବୀ ତୁଇ ଆଦି ଶକ୍ତି ତୁଇ ତ ଗୋ ମହାମାୟା ମା ଗୋ ତୁଇ ତ ଗୋ ମହାମାୟା ତୋଠାନେ ଜନମ ତୋଠାନେ ମରଣ ତୋର ଲାଗି ଚଲୁଛି ଦୁନିଆ ମା ଗୋ ତୋର ଲାଗି ଚଲୁଛି ଦୁନିଆ ମା ସମଲେ ରଖି ଥାକୋଲେ ଦୁଲେ ମା ସମଲେ ରଖି ଥାକୋଲେ ଦୁଲେ ରଖି ଥାକୋଲେ ଦୁଲେ ରଖି ଥାକୋଲେ ଦୁଲେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଆପଣ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆମର ସତେଜ ସକାଳ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଧିକ ସତେଜ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଭଜନ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମା ସମଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଇଏ ଶୁଭକାମନା ଆମର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚେତନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା
पहला तो मुई जेते बेलु माने क्लास 2-3 रे थिली सेते बेलु ही मोर माने गीत नाच प्रति बहुत ही इच्छा थिला। जेते बेले मुई दा टीवी रे देखुथली सब बाकी माने जे माने डांस करूथले गीत गाउथले सेटा के निजे गाइबा लागि निजे डांस करबा लागि बहुत इच्छा हुए आ टीवी सामना रे मुई थाई करी सही गीत मन को गाए और डांस भी करे तो एंता रही बसला से भितर रुचि बहुत ही बढ़ी बसला। स्कूल रे जेते बेले मुई कंपटीशन माने गली सब कंपटीशन रे मुई भाग निए सब समस्ते स्कूल रो मैडम माने जेते भी मुई जाइथिमि घर लोक माने भी समस्ते बहुत खुशी हुअन आउ जेनसेनु मुई जेते प्राइज नहीं आसमी किसी गोटे पोजिशन रखिकी आसमी आ घरे कहमी तो घरे भी समस्ते खुशी हुअन आम स्कूल रे भी सब मैडम माने मते एनकरेज करन। फर्स्ट स्टेज मोर मुई स्कूल रे थिला बेले 5 क्लास रे थिली आ फर्स्ट स्टेज मते मिलथिला आम स्कूल रे ही मिलथिला जिनटा कि मते सोलो सॉन्ग गाइबा लागि कहिथिले मैडम तो सेनो ही मोर माने जाके कहसन स्टेज फियर सेते दिन ही मोर स्टेज फियर टा छाड़ीथिला आ सेतकी छोट दिन ही मुई जाइकरी स्टेज रे गाइथिली बहुत लोक सामना रे एंता तो जेतेले एकला गाउथिली किंतु स्टेज छाड़वाटा से 5 क्लास रे थिला 5 क्लास रे मुई जाइकी गीत गाइथिली गोटे भजन गीत थिला पथरार हाथ रे जेबे देख धराइल आशा बाड़ी गोटे अंध उपरे गीतटा थिला तो से गीत गाइला परे समस्ते बहुत ही एप्रिशिएट करथले बहुत ही खुशी हेतले आ मते निजकु भी माने बहुत खुशी लागथला से दिन रो कथा हेबे मने पड़ि जाउछे आ तार परे एंता जतले मैं हाई स्कूल गली हाई स्कूल लेवल रे बहुत कंपटीशन माने अटेंड कली सेनो बहुत गुडे प्राइज भी अनेक रे आसे पोजीशन भी रखी करी आसे जतना अपन तो हमें तो गुटे बढ़िया भजन ते सुनले तबे चेतना को कौन पसंद भजन अधिक पसंद आधुनिक भी से पसंद आपन जमी कहते जे संबलपुरी खास करके आपन बाहर राज्य भी जो जाते से कौन संबलपुरी ही बेसी गाउचंती ना हिंदी ओडिया सब गाउचंती जे कोनोसी जगह को गले प्राय मु संबलपुरी ही गाई थाए प्राय संबलपुरी गाई थाए आ हमरो हिंदी आधुनिक से गीत गुड़ाक सेटा जो जगार मानने कहाई थाए से जगार हो प्राय ही मु संबलपुरी गाई थाए राज्य बाहर अपॉर्चुनिटी बहुत मिलची आ भगवान कर कृपा माँ समलिंग का कृपा आ गुरुजन बापा माँ कर आशीर्वाद नो देश बाहर भी मिलची मते माने निजर परफॉर्म करवार के तो सेठिकार भी टिके अनुभूति रे कहि दंतु कारण देश बाहर जते बेले आम ओडिसा कथा कोंतु बा संबलपुरी गीत को जदि प्रशंसा मिले तो पूरा ओडिसा वासिंग को पई आपण सेठा को जाउछन एवं आपण को जोटा प्रशंसा मिलुछि ओडिसा को प्रशंसा केमती फीलिंग्स आसे जतले बाहर देश रे ओडिसा कथा कोंतु बा संबलपुरी गीत को जतले प्रशंसा मिले आगे देखंतु आजिकाली संबलपुरी गीत जो गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक आम जो जोटा आगरू थिला रॉप गुड़ाक से गीत गुड़ाक आम जामी डालखाई रसरकेली मैलाजड़ एमती सब गीत को लेकिन आम बाहर परफॉर्म करुचु तो सेठारे सब दर्शक एक्चुअली आम संबलपुरी म्यूजिकटा भी सेमती सब दर्शक बा सब श्रोता समस्ते प्राय नाची उठती झुमि उठती से मैंने मैंने तो सही जाए राज्य बाहर को जाए से नाची उठती तो आउ गोटे सुजोग देव जो मैंने दर्शक आज आपको देखुं शुणुं से गीत जो आप कहले संबलपुर जोटा कि मूल मानने जो गीत गुरा बहुत चीर सबुज एवरग्रीन रही गोटे आपण पसंद रीत आम दर्शक मान गाइले सी भी घर थी निचि उठे पानी तो पानी नदीर पानी पानी करे झलमल ठानी तो ठानी अमर ठानी के देवा तरमूल पानी तो पानी नदीर पानी पानी करे झलमल ठानी तो ठानी अमर ठानी के देवा तरमूल
ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଟର ଟର କରି ଟପ ମାରି କଷି ଜହ୍ନି ସମଲପରିଆ ନନିରେ ଆମେ ସପ୍ଟା ପରି କାନି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଟର ଟର କରି ଟପ ମାରି କଷି ଜହ୍ନି ଆରେ ଝରି ସରାବନି ପିଜିଲି ମାନେ କଟି ଧରି ଗଚା ଗୁଜୁରୁ 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 ଗୁଞ୍ଜା ହେଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ପାତଲ ଘଟା ଲାଗ୍ସି ମଜା ଏ ମଜା ଗୁଞ୍ଜୁରୁ 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 ଗୁଞ୍ଜା ହେଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ପାତଲ ଘଟା ଲାଗ୍ସି ମଜା 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 ଗୁଞ୍ଜୁରୁ ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଞ୍ଜୁରୁ ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଞ୍ଜୁରୁ ଗୁଞ୍ଜା ଲେ ଲେ ଲାଗ୍ସି ମଜା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ। ଯେମିତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଆପଣ କରନ୍ତି, ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ନା ନୃତ୍ୟ ବି ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ନୃତ୍ୟରେ ହିଁ ରୁଚି ରଖୁଥିଲି, ତାପରେ ମାନେ ସେମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଗୀତ ଆଉ ନୃତ୍ୟରେ ଥାଏ, ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୀତ ବାଜିଲା କି ବାଜା ବାଜିଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ। ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କରିପକାଏ, ତ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲେ ବି ସେମିତି ମାନେ ଗୀତ ଗାଇକି ନିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ହେଇଥାଏ, ସେମିତିକି ନାହିଁକି ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଗୀତ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଝୁମି ଉଠନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ ବି ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିଦିଅନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାକି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଛି ବଲିଉଡ଼ର ଗୀତ ରହିଛି ବା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ରୁଚି ଥାଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବଲିଉଡ଼ ସବୁ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ବଲିଉଡ଼ର ଗୀତମାନେ ବି ସବୁ ବହୁତ ମୁଁ ଗାଇ ବି ଥାଏ, ଆଉ ବହୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣରେ ଯେ କରିଥାଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ, ବଲିଉଡ଼ ଗୀତ ହେଲା, ଅଲିଉଡ଼ ଗୀତ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଅଲିଉଡ଼ର ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼ ଗୀତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣିବୁ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମନଛୁଆଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ଚେତନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଏମିତି, ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି, ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି, ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଏମିତି, ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି, ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଉପରେ, ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେବା ଚେତନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆହୁରି ଗୀତ ଶୁଣିବା, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବ୍ରେକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଥାଇପାରେ, କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେରିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଚେତନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିଏ ଅଛନ୍ତି,
आ किए बेसी सपोर्ट करते कारण आम ओडिया घर देखु जिते किए कला लाइन जाए गीत डांस ये सब जाए तो परिवार रे हुए तो सेतिकटा सपोर्ट मिले नहीं तो आपण पर किए अच्छा किए अधिक सपोर्ट करते आपत गीत गाँव एक्चुअली सर कह गले आम घर समस्ते सपोर्टिव आ छुआ दिन जमी ये गीत नृत्य प्रति रुचि रखी थी तो बापा माँ जानते आपा जेहेतु जड़े से भी आर्टिस्ट तो से बुझीपारे बोधे मुझे मन करे आ बुझीपार कि मत सब जगार प्राय बहुत मानने से जगह को लेकिन से समस्त सहित परिचित कर सब जगार से मत सपोर्ट कर सब जगह को निया मानने नेबा आनवा सब जगार से मत नि पापा मम्मी आपन को बहुत सपोर्ट करती तो बर्तमान भी से निहाती ए कार्यक्रम देखु थे तो तांकु किछि गोटे सॉन्ग जोटा कि तांकु बहुत पसंद थिबो तांकु गोटे गीत डेडिकेट करंतु कारण तांकु बिना सपोर्ट रे तो आपण आज एते बाट आगे आसी पार नथांते आके उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का दहलीज ऊंची है पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दिल की पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का दहलीज ऊंची है पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो अति चमत्कार परिवेषण आपणकर चेतना मैडम चेतनामयी बेहरा दर्शक मानक आम पुणि थे चाहिए जे कंठशिल्पी चेतनामयी बेहरा आम सहित आज जोड़ी होती आम अतिथि भाव में सतेज सकाल अनेक सुंदर भजन ठारू आरंभ कर हिंदी गीत पर्यंत आमको शुणई सारे अति चमत्कार कंठर जादू एवं केवल गीत नुहे जड़े भल नृत्य शिल्पी पिलादिन किभली भाव में संगीतर यात्रा थी नृत्य प्रति तांकर दुर्बलता सबकि से बयान कर सारी पर सपोर्ट सहित से आगु को बढ़ुंट ना केवल राज्य भितर तांकर प्रतिभा सीमित होकर रही राज्य बाहर संगीत परिवेषण करदेश भी संगीत परिवेषण कर बहुत प्रशंसा साउंटी आमर शुभकामना सहित रही तेज चेतना मैडम आम जाना चाहबू जे प्रत्येक कंठशिल्पी जो आइडल था जड़े आदर्श था जहाँ को सी आखि आगे रखिकी सी क्यारिययर को आगक निपर आइडल किए आप आदेश आदर्श किए कौ कंठशिल्पी को आज भल पाती पसंद करते सर कह गले प्रथम तो मु लता मंगेशकर तांकर मु बहुत बड़ा फैन आउ तांकु ही तांकर गीत गुड़ाक मुझे प्राय बहुत स्थान परिवेषण करथाय आ मते बहुत ही भल लागी थाय तांकु से मोर बहुत ही फेवरेट आंकर एमती कि नहीं सब सिंगर मान गीत भी मत बहुत भल लगी था कि मोर बेस आइडिया लता मंगेशकर लताजी गीत आपन को भल लगे आदर्श भाव नहीं बहुत भल कथा केवल आप नुहत भारत वर्षर यह लक्ष लक्ष कंठशिल्पी रही जो जो मैंने कि लताजी को आदर्श भाव में नहीं कि आगू जा बढ़ाऊँ तो ये तो लताजी कथा आप कहले ओडिया किए आप फेवरेट सिंगर जहाँ को आप भल पाती गीत आपण को आपण मन को छुए
ଓଡ଼ିଆରେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଆମର ଇରା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କର ଗୀତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଷଡ଼ଭମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୀତ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବି ସେ ବି ବହୁତ ହି ମାନେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇକି ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଭାରତ ରତ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ଲତାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଯାହାକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜିନ୍ଦଗୀ प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମୟ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଏ ସତେଜ ସକାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଏ ଶୁଭକାମନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖୁଛୁ ଚେତନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଫଳତାର ସହିତ ଜାରି ରହୁ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ସଫଳ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ଏ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିୟର, ଏ ଶୁଭକାମନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ କେବଳ ଚେତନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସାରିବା। ଚେତନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମହକୁଛି ମନି ମାଲତି ଚହକୁଛି ପୁନି ରାତି, ହସୁଛି କିଆ ଭୁଲିଆ ଯହକୁଛି ମନି ମାଲତି ଚହକୁଛି ପୁନି ରାତି, ମହକୁଛି ମନି ମାଲତି ଚହକୁଛି ପୁନି ରାତି, ହସୁଛେ କିଆ ଭୁଲିଆ ଯ ନାଇ ବାଜେ ନ ବୟସି କାହ୍ନୁ ହେଲା ପରଦେଶି, ନାଇ ବାଜେ ନ ବୟସି କାହ୍ନୁ ହେଲା ପରଦେଶି, ହୋ ଝୁରିସି ନାରାଇ ରାଧାର ମ ହୋ ଝୁରେ ସିନାରାଇ ରାଧାର ମ ଫୁଟିଥିଲା କଇରେ ମୋର ମନ ରୁଛଲା ନଈରେ, ମୋର ମନ ରୁଛଲା ନଈ ଆସିଗଲା ବାଦଲ ମନ ସରେ କେ ହେଲା ଛାଇ ରେ, ମନ ସରେ କେ ହେଲା ଛାଇ, ଦିନେ ଗଲା ରାତି ଗଲା ରେ ଗଲା ଫଗୁନ ପୁନି, ଭାଲି ଭାଲି ବଉଲରେ ମୁଇଁ ହେଲି ଘାଟି ସାନି, ଦିନେ ଗଲା ରାତି ଗଲା ରେ ଗଲା ଫଗୁନ ପୁନି, ଭାଲି ଭାଲି ବଉଲରେ ମୁଇଁ ହେଲି ଘାଟି ସାନି, ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ବୁଡ଼ି ଗଲା ମୋ ସପନ, ହୋ ଝୁରି ସିନାରାଇ ରାଧାର ମ ହୋ ଝୁରି ସିନାରାଇ ରାଧାର ମ।